लेके ये बैठी है यहाँ पर मुझे धक्का। मैं बोल रही हूँ मैं पत्रकार हूँ, मैं इतनी दूर से आती हूँ। यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेजकर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया। मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से। अगर आप कुछ नहीं कर सकती थी तो आपने गलत आदेश कैसे दिया, आपने हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया। उन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर लिया और जब मैं परेशान हो गई मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, दो महीने से रह रहा है। मैं यहाँ गुहार लगा रही हूँ, आपके पास कितनी बार भेज चुकी हूँ। मैं भी पत्रकार हूँ मैम, और मैं भी लखनऊ से आई हूँ। मैं आपके यहाँ न्याय के लिए दौड़ रही हूँ, मेरी माँ आ रही है, ठीक है। मैं 1000 बार आपके पास कागज दे चुकी हूँ, एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैम। मैं 3000 रूपए 4000 रूपए लेकर लगा हूँ इतनी दूर आती हूँ, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन भेज देती है और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती, घूस खा के बैठ जाते हैं मैम। आप बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, आपके पास हुआ तो कहाँ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, एक तरफा आपने फैसला सुना दिया कि आप जाइए बिना किसी आधार बिना कोई मतलब, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे भगा देंगी, हम आपसे सवाल करेंगे तो आप ऐसा हमको बाहर जाने के लिए बोल देंगे। आप तो सब काम की फोन की थी, आप ऐसे हमको बोल देंगे कि आप जाइए, हम आपके आपके नहीं सुन सकते हैं। स्टोर में आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है। कब्जा करवा रही है एसडीएम मेरे घर पे, कब्जा करवा दिया यहाँ की एसडीएम ने अमेठी क्षेत्र की। अब रोको, ये तहसील है, रोको, यहाँ पर तहसील है। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, मैं यहाँ इस वक्त अमेठी में हूँ। आप यहाँ पर जनता की लाइनें देख लीजिए, दो महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेजकर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया। मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से, कह रही मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मैं आपकी बात नहीं कर सकती, आप जाइए सिविल करिए जाके। मैं अपने मुंह से मारे हमारे घर पर कब्जा करवा दिया इन्होंने, किस आधार पर कब्जा करवाया, हमारा रजिस्ट्री है एसडीएम नहीं है ये हमको अपने कार्यालय से भगा रही है। यहाँ पर इस प्रशासन मुझे भगा रहा है, यहाँ के लोग न्याय के लिए यहाँ पर आते हैं, गुस्सा झेलने के लिए नहीं आते। सरकार आपको सैलरी देती है तो जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं देती है। ये देखिए यहाँ पर एसडीएम साहब प्रीति तिवारी, पीसीएच करके उप जिला अधिकारी मुसाफिर थाना अमेठी, आप वोट दीजिए के लिए। प्रीति तिवारी, दो महीने से मैं लगातार यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ, मेरे बुजुर्ग माँ पर चक्कर काट रही। मैं पत्रकार हूँ, लखनऊ से आती हूँ यहाँ पर, मेरी बुजुर्ग माँ आती है, मेरे घर पर कोई नहीं है, और यहाँ पर एसडीएम ने हमारे घर पर दूसरों को कब्जा करवा दिया, वह तरीके से कब्जा करवा दिया। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बोल रहे सिविल करिए, मुझे कोई आदेश नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है। भाई किस आधार पर इन्होंने हमारे घर पर कब्जा करवाया है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहाँ पर डीएम के पास जाऊंगी, मैं सुपुरियर के पास जाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री के पास तक जाऊंगी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। हमारा घर है, वो मेरी बुजुर्ग माँ रहती है उस घर में, हमारी माँ को निकाल कर कब्जा करवा दिया यहाँ की प्रीति तिवारी जी ने। इसे मुझे कार्यालय से धक्का देके एक पत्रकार को, जो चौथा स्तंभ है देश का, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे ये प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगे, ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया, हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है, ये अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको, और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है, आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि एक पत्रकार खड़ा होकर बोल रहा है मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया, आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे पत्रकार को, मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊं, मुझे बोल रहे हैं मेरे कार्यालय से भागे। कहीं सुना है आपने, कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहां से पढ़ लिख कर आई है, कैसा अधिकारी बन गई कि मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से। लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी, मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से
मेरे घर पर कब्जा किया गया, आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, आप पहले बाहर जाइए फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्षी दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी, यह भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन गई, इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुए, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी, इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी कि मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे, कुछ तो हमारे हक में बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे। इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर लिया, और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया।